बहुत अच्छे हो? Yes, अच्छे नहीं हो? तैयारी वाली पढ़ाई चल रही है? Yes, देखो ये हमारा क्वेश्चन है 2.5 का फिफ्थ क्वेश्चन है। उससे पहले सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज करो, इसके फैक्टर्स बताओ। ये हमें क्वेश्चन दे दिया हुआ है, इसके हमें फैक्टर्स बताने हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे? a plus b plus c का whole square equals to a cos square plus b cos square plus c cos square plus 2ab plus 2bc plus 2ca कर रहे थे, लेकिन अब हमें उसका opposite करना है। अब हमें तो a plus b plus c का square निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो same formula हम यहाँ पे put करके कर लेंगे। कि देखो formula क्या होता है, a plus b plus c का whole square is equals to c square plus 2ab plus 2bc प्लस 2ca, यही होता है ना? यस। इसमें मैच कर रहा है? ये देखो जी कर रहा है। एक स्क्वायर बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर, एक स्क्वायर बी की स्क्वायर सी की स्क्वायर, क्लियर हमें मिल रहा है। और राइट, टू वाई जेड है क्या? टू वाई जेड है क्या भाई? टू वाई जेड माइनस 16 जेड एक्स, ठीक है, टू वाई जेड ही है ना मैम? फर्स्ट मैम ये -24 है। ये -24 वाई जेड है? यस मैम, -24 वाई जेड, ठीक है जी। चलो करते हैं इसको। अब तुम्हें ये देखना है कि जो 4 है वो किसका स्क्वायर है? 2 का है जी। तो क्या कह सकते हैं? 2x कह सकते हैं इसको। प्लस 9 किसका? 3y का स्क्वायर। प्लस 16 किसका? 4z का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ओके जी। अब अगर इसको हम फर्दर, हमें क्या क्या मिल गया? ए मिल गया हमें 2x है, बी मिल गया 3y है, सी मिल गया जी 4z है, ठीक है। ये 2 लग रहा है, ये z है, याद रखें। ऑलराइट, तो हमें अब ये मिल गया, इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, है ना? सॉल्व करते हैं, बातें कर लो फिर बाद में पूछना। मैडम हमने समझ में नहीं आया, बातें आराम से बातें करो। मैं बात जाऊँ, देखो यहाँ पे क्या है, 2x plus 3y plus 4z। अभी हमें ये नहीं पता कि माइनस की वैल्यू कौन है, माइनस की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम वो भी देखेंगे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है जी। प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z, ठीक है, और प्लस 2 इंटू 4z इंटू 2x, ठीक है जी। yes, ma'am. इन समझ में आया? yes, ma'am. ये जाएगा जी 4x की स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 2 × 4 12xy, ठीक है जी। 12xy ही है ना? yes, ma'am. हाँ जी, तो जाएगा 12xy, इतना तो हमारा सही आ रहा है। अब देखो आगे, यहाँ पे है जी प्लस, लेकिन यहाँ पे है माइनस। क्यों भाई? भाई देखो, एक्स तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही वाई है हमारा माइनस में। चलो इसको आगे देखेंगे, तो क्या जाएगा? 2 × 3 = 6 और 6 × 4 = 24 वाई जेड हो जाएगा। प्लस 2 × 4 = 8 और 8 × 2 = 16 जेड एक्स हो जाएगा। मतलब कैलकुलेशन तो ठीक है हमारी, लेकिन प्लस माइनस कहाँ पे है ये नहीं पता। अब देखो इन दोनों में कौन कॉमन है? इन दोनों में कौन कॉमन है? इन दोनों में जेड कॉमन है, मतलब जो जेड है वही क्या है हमारी? माइनस की वैल्यू है। क्या है भाई? माइनस की वैल्यू। अब देखो, अगर हम जेड के साथ में माइनस रखते हैं, अगर हम यहाँ पे भी 2 × माइनस रखते हैं जेड के साथ में, तो क्या आता है हमारा? माइनस में आंसर आएगा। देखो जी, 2 × 3 = 6 6 × 4 = 24 लेकिन माइनस का हो जाएगा। ओके, वैसे ही यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस 4z। समझ में आया? यस मैम। तो कैसे पता चला कि माइनस का है प्लस का है? कौन सी वैल्यू प्लस की है, कौन सी वैल्यू माइनस की है, ये देखना कि कॉमन कौन है। जो कॉमन होगी उसी के साथ में माइनस का साइन होगा। अगर दोनों के साथ में माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो इस धारणा में मत रहना कि मैडम यहाँ पे तो है ही नहीं प्लस, यहाँ पे तो है ही नहीं प्लस माइनस का सिस्टम, तो यहाँ पे तुम्हें प्लस माइनस का सिस्टम नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने आप से ढूंढना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो क्या मिला हमें यहाँ पे भाई? a = 2x
प्लस बी इज इक्वल्स टू 3y प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर मिला। क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं एज वेल, हम x की स्क्वायर भी क्या लिखेंगे भाई, x into x, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे 2x plus 3y plus minus 4z का होल स्क्वायर ऐसे, या फिर इसको यहाँ से प्लस को हटाई देते हैं माइनस 4z, ठीक है। और अगेन 2x plus 3y minus 4z, these are the factors of this, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, फैक्टर्स हो जाएंगे, समझ में आया। और ये हमारा आंसर है। हाँ जी, समझ में आया। यस मैम। नेक्स्ट चल जाओ भाई, सेकंड पार्ट है 2x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस 8z की स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 xy प्लस 4 अंडर रूट 2 yz माइनस x सॉरी 8xz, ठीक है। ये क्या है हमारा क्वेश्चन, करो इसको। अब हमें बताओ कि 2 किसका स्क्वायर होता है मैम? किसी का नहीं, किसी का नहीं होता। देखो अगर हम 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर हम अंडर रूट 2 की बात करें, कल भी इसकी बात हो रही थी, अगर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, जब कोई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसकी पावर हाफ है और इसकी पावर 2 है, ठीक है। तो जब इस तरह से होता है तो क्या होता है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसको 2 को हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा जी 2 बचेगा, सॉरी 2 क्या बचेगा 2 बचेगा। अब करते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 एक्स का स्क्वायर हमें a मिल गया प्लस y का स्क्वायर, तो मतलब 1 है ना, तो y का स्क्वायर प्लस, अब 8 किसका है भाई, 4 नहीं 8z का स्क्वायर है क्या भाई? यस मैम। 8 है क्या है मैम? 8z का स्क्वायर की अगर हम बात करें, देखो अगेन, देखो इधर अगर हम इसकी बात करें, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी हमारा, 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 किसका स्क्वायर, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा, देखो इसका मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर है, और इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, है ना। अब देखो 2 2 4 इनटू, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो किसका स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 का y का स्क्वायर, y नहीं है z का स्क्वायर, समझ में आया। क्या क्या मिला हमें, a मिल गया अंडर रूट 2x, b मिल गया y, c मिल गया 2 अंडर रूट 2, ऑलराइट। यस मैम, समझ में आया। यस मैम, आगे चलते हैं। अब फॉर्मूला हमारे पास में होता है ये वाला, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऑलराइट। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें करते हैं, अब हमें ये नहीं पता भाई कि माइनस की वैल्यू कौन सी, क्योंकि इसमें क्या आया है, माइनस भी आया है, यहाँ पे भी माइनस आया है और यहाँ पे भी माइनस आया। चलो करते हैं, रखो वैल्यू 2x का स्क्वायर प्लस, यही होता है ना, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 z का स्क्वायर, ऑलराइट। यस मैम। आगे जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2x मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 क्या है z प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट 2z मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2x, समझ में आया। चलो जी करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 2x की स्क्वायर हो जाएगा यस मैम प्लस y की स्क्वायर एज इट इज रख देंगे प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 8, क्यों देखो 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर भी है और अंडर रूट 2 का स्क्वायर भी है, इससे रूट कैंसिल, क्या बचेगा 2 की स्क्वायर इनटू 2 बचेगा हमारे पास में, और 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। तो 8z का स्क्वायर, समझ में आया। यस मैम। अरे हमें देख लो, ये 2 है, ये अंडर रूट 2 है और ये है, तो क्या हो जाएगा 4y अंडर रूट 2 प्लस 2
क्या है भाई, 2x है ना, 2 इंटू सॉरी तो ये क्या हो जाएगा, 2 की अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 ही रहेगा, x और y, ठीक है जी। फिर आते हैं इसका भी हो गया, इसका आते हैं प्लस 2 टू जा 4 अंडर रूट 2 और हो जाएगा हमारा yz प्लस अगेन 2 टू जा 4 और यहाँ पे भी 2 की और 2 की क्या है, 2 की और 2 की क्या हो रही है भाई, मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो रहा है, जिससे हो जाएगी कैंसिल, तो क्या बचेगा 4 टू जा 8, ठीक है, समझ में आया इतना? यस मैम। ये वाला समझ में आया कि क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है और यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है और यहाँ पे भी अंडर रूट 2, दैट्स व्हाई। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 को हम ये नहीं पता कि माइनस की वैल्यू कौन सी है, देखो कहां कहां पे माइनस आया हुआ है भाई, एक तो यहाँ पे माइनस आया हुआ है और एक यहाँ पे माइनस हुआ है, मतलब कौन है कॉमन, जेड एक्स कॉमन है, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी क्या है, नेगेटिव है, मतलब माइनस 2x की स्क्वायर, राइट, मतलब जो ये हमारा माइनस, जो हमारा ये एक्स है क्या है, माइनस का है, ठीक है, 2 अंडर रूट 2xy, अच्छा यहाँ पे लगाएंगे ना माइनस, राइट, एक्स में लगाएंगे अगेन माइनस, ओके जी, yes, तो हमें क्या मिला कि हमारी जो a की वैल्यू है वो क्या है जी, नेगेटिव है, तो क्या क्या कर लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z का स्क्वायर, और क्या लिखेंगे इसको फिर हम, माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z, एक फैक्टर और दूसरा भी माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z दूसरा वाला फैक्टर, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द क्वेश्चन, समझ में आया क्या, यस मैम, एक बार और समझाया जाए, क्लियर नहीं है अभी मैम, यहां कहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यस मैम, ये पूरा नहीं, ये पूरा नहीं है, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x, टू एक्स की स्क्वायर, ये ऐसे चीज रहेगा वाई की स्क्वायर, अभी ये भी इसकी भी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, ये भी ऐसे चीज रहेगा, अब इसको ऐसे लिख दो, ये इसको ऐसे लिख दो, है ना, चलो जी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 जेड का स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो कि भाई 2 और अंडर रूट 2 वही सेम चीज की, 2 की और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई हम कैसे करें, तो इसको भी हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई, लेकिन ये वैल्यू माइनस की है, और माइनस की क्यों है वो मैंने बताया कि जो कॉमन होता है उसी के साथ में हम माइनस को रखते हैं, ठीक है जी, आगे जाते हैं यहाँ पे 2, इस यहाँ से यहाँ तक देखो ये 2 है और ये 2 है, तो 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है जी, क्या क्या बचा, y और z, तो वही तो लिखा है, आगे देखो अब ये कहां से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2z मल्टीप्लाई बाय माइनस अंडर रूट 2x, ये देखो एक तो अंडर रूट 2 ये हो गया और एक अंडर रूट 2 ये हो गया, तो जब अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 है तो इसको हम अंडर रूट 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और जब स्क्वायर लिख रहे हैं तो स्क्वायर से ये जो है हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा जी 2 बचेगा, ठीक है जी, तो इसको और इसको हम क्या मानते हैं कि ये 2 है और ये 2 2 जा 4 है, तो 4 2 जा 8 होता है, तो ये 8 ही तो लिखा है हमें, ठीक है 8zx, तो ये भी 8 भी तो हमारी माइनस की वैल्यू है, ये भी तो माइनस की वैल्यू है और ये भी माइनस की वैल्यू है जी, चलो समझ में आया, यस चलो जी करो, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट है हमारा, देखो जी क्यूब निकालना है इनका, ये क्या करना है, क्यूब फाइंड आउट करना है, तो करो जी,
राइट दी फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्यूब को लिखना है। तो हमारे पास में क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले बड़े सिंपल होते हैं जी, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। भाई स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। मैम उसकी तरह ही है, बस क्यूब बनाना है। और जब जो इसका माइनस वाला होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी, मतलब कोई प्लस माइनस का पंगा ही नहीं है। ऑलराइट चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे इसके अंदर, है ना। करो, टू एक्स प्लस वन का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, बोलो। टू एक्स का क्यूब प्लस वन का क्यूब भाई प्लस है प्लस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू टू एक्स इंटू वन और अंदर टू एक्स प्लस वन। ऑलराइट यही है ना। तुम्हें क्या हुआ? हाँ, टू टू फोर, फोर टू सा एट एक्स का क्यूब। ऑलराइट इसमें भी क्यूब कर लो, एक वन ही रहेगा प्लस थ्री टू सा सिक्स एक्स और ये क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस वन। टू एक्स प्लस वन का मतलब क्या है, सिक्स एक्स का मतलब क्या है कि ये सिक्स एक्स इसे भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इसे भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो करो, करवाते हैं मल्टीप्लाई जी। 8x की क्यूब प्लस 1 प्लस 6 टू जा और 8x ये 8x ये तो 2x का स्क्वायर प्लस अगेन 6x वन दा 6x। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट बताओ हमें। नेक्स्ट क्या है इसका, 2a माइनस 3b का क्यूब है। यस मैम, 2a माइनस 3b का क्यूब। सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है ये है जी। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस b का होल क्यूब a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ऑलराइट चलो जी क्या करेंगे, 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इनटू 2a इनटू माइनस 3b, है ना। और 2a माइनस 3b। ऑलराइट करते हैं, 2 टू द 4 टू सा 8 का क्यूब माइनस ही रहेगा 3 3 3 3 27 x लिखा है पूरे 27 कहां पे रखा है, सबसे लास्ट में 2a है। चलो सुवारी ऐसा हो जाता है, छोटे-छोटे हो जाता है, छोटी मिस्टेक। चलो 27 b का क्यूब, अब यहाँ पे देखो जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 6 3 जा 18 a b हो जाएगा क्या, और 2 a माइनस 3 b। समझ में आ रहा है कुछ? यस चलो जी अब इसको करो, 8 a का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये तो प्लस ही रहेंगे 18 टू जा 36 एक ए ये रहा एक एक ये रहा तो एक का स्क्वायर और बी। अब प्लस माइनस माइनस 18 थ्री जा 54 ए सिंगल है लेकिन बी का स्क्वायर भी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। दिस इज दी आंसर कि हमने इसको भाई एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। देख लो समझ में आया, ये देख लेना कि प्लस अरे अरे 54 ए बी का स्क्वायर छोड़ लो ठीक मुझे लग जाएगा। चलो सही है, बढ़िया करो करो करो। हाँ जी देख लो इसमें क्या है कि जो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है ना, तो यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए है 2a ओके और बी क्या है 3b लेकिन हमने क्या लिखा माइनस 3b, तो ये मिस्टेक कर दी है भाई देख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 18 ए बी है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस अगेन माइनस 18 8 बी, तो ये माइनस की वैल्यू प्लस किया तो ये तो हो जाएगी हमारी माइनस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू है माइनस की वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस ठीक है। और एक बात और देख लेना कि जो ये है जो एक्स की क्यूब है फिर एक्स की स्क्वायर और एक्स इस तरह से सीक्वेंस में होना चाहिए आंसर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 8x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। जो हमारा क्वेश्चन वो जो हमारा ये है उसको सबसे लास्ट में जो हमारा नंबर है उससे पहले हम वेरिएबल्स को लेंगे। सबसे पहले बड़ा वाला वेरिएबल जिसकी ज्यादा डिग्री है, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर
जो हमारा नंबर है वो, ठीक है। इस तरह से हमें सीक्वेंस में आंसर लिखना है और ये देख लेना, इस तरह से देख लेना कि अगर a माइनस बी है और जब हम इसमें फॉर्मूला a की क्यूब माइनस b की क्यूब वाला फॉर्मूला हम इसमें पुट कर रहे हैं और माइनस थ्री भी तो हम ऑलरेडी लगा ही रहे हैं इसके अंदर, माइनस बी नहीं लेंगे, ए की वैल्यू ए लेंगे और बी की वैल्यू बी लेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे माइनस में नहीं है तो उसको माइनस में नहीं लेंगे। देखो अगर यहाँ पे a है और माइनस और कोई वैल्यू अगर माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तब तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर कोई वैल्यू इस तरह से दी हुई है तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू पूरी ना लग के सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू लगे जो हमने अभी मिस्टेक कर दी, तो इसी के लिए हमारा जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारा, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन सेज 3/2 का 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे जी, कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसमें, a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब, क्या हो रहा है तुम्हें, तो 3ab और a प्लस b, ठीक है। ये वाला हम फॉर्मूला इसके अंदर पुट करेंगे, करते हैं। a क्या है हमारे पास 3/2x और b क्या है जी 1, करते हैं 3/2x का क्यूब प्लस 1 का भी क्यूब प्लस 3/2x 1, ठीक है जी। और आगे 3/2x प्लस 1, समझ में आया, ये हो जाएगा जी धीरे धीरे 9 9 3 27/2a x का क्यूब, ऑलराइट, प्लस में हो जाएगा जी 1, अब 3 3 9 x 8 क्या प्लस 1 और प्लस 3 3 9/2x और 1 1, सेम ही चीज रहेगी, ठीक है जी। और आगे आ जाएगा 3/2x प्लस 1 1, 27/8 x की क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27/2 4 और 1x ये 1x ये तो x का स्क्वायर प्लस अब 9/2x 1 9/2x, ठीक है जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 27x की क्यूब आई, अलग सा लग रहा है तो इसको इसी के साथ में लिख दो 27x की क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 को बाद में लिखेंगे 27x की क्यूब स्क्वायर प्लस अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2 और प्लस 1। देखो इस तरह से हमें लिखना है x की क्यूब x की स्क्वायर और x और लास्ट में 1 आ गया, नंबर आ गया, ऑलराइट। तो दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका बोलो जरा, यहाँ पे कर लेते हैं मैम x-2/3 x-2/3 का मैम y भी है, ठीक है जी। a क्या है यहाँ पे x, a क्या है जी x है और b क्या है 2/3 y। चलो जी इस बार हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला क्योंकि बीच में माइनस है, a माइनस b का होल क्यूब है ना मैडम, क्या है। चलो जी x का स्क्वायर सॉरी x का क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब माइनस 3 x 2/3 y और x माइनस 2/3 y, ओके जी, कुछ गलत तो नहीं है, देख के बता देना मुझे। x का क्यूब तो x का क्यूब ही रहेगा, है ना, माइनस 2 2 4 4 2 8 3 9 9 3 27 y, ओके जी। अब यहाँ पे माइनस 3 2 6 3/3 x y, है ना, yes, x-2/3 y। आप देखो क्या मिल रहा है, इसे इसको कंसीडर कर सकते हैं क्या, थ्री वन जा थ्री और थ्री टू जा सिक्स, क्या बचेगा x की क्यूब माइनस 8 y/27 माइनस
2xy अपॉन 1 अपॉन कहां से आ गया x माइनस 2 अपॉन 3 y ओके जी यस मैम आगे चलते हैं x का क्यूब माइनस 8y अपॉन 27 अब माइनस प्लस माइनस ये 2 तो वाली चीज रहेगी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ x है x क्या हो जाएगा एक x ये रहा एक x ये रहा x का स्क्वायर y ओके जी अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 4 x y कितने हैं जी 2 है तो y का स्क्वायर अपॉन 3 अब देखो x का क्यूब है x का स्क्वायर है y का स्क्वायर है इसको आगे पीछे कर सकते हैं फिर ये ऐसे भी ठीक है सब मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्क्वायर मतलब हम इसको भी वैसे ही छोड़ सकते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है बस ये है अब इसमें तुम पजल हो रहे हो तो इसको मत करो ऑलराइट तो दिस विल बी आवर आंसर एक बार देख लो भाई फटाफट चलो जी नहीं है मैम यहाँ पर चलो जी ए का क्यूब ही है चलो भाई तू खुश रह देख x a की क्यूब माइनस b की क्यूब मम्मी ने y की क्यूब नहीं लगाई थी वो बात बोल रहा था कि मैम आपने y की क्यूब नहीं लगाई ठीक है दैट्स इट हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन सेज दैट इवैल्यूएट द फॉलोइंग using suitable identities कुछ questions दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें identity लगानी है means formula use करने हैं और उनको evaluate इनकी real value लेके आनी है without multiplying अब क्या करेंगे हम इसको 99 multiply by 99 multiply by 99 तो 99 की जो 99 को multiply करेंगे जो answer आएगा फिर उसको हम 99 की multiply करेंगे क्या multiply ही करते रहेंगे no ma'am तो क्या करेंगे ma'am a plus भाई आइडेंटिटी को यूज करो क्वेश्चन नंबर चलो जी तो क्या हो जाएगा देखो 99 का क्यूब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं नहीं आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना भी आसान हो जाएगा देखो तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला a माइनस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b ठीक है चलो जी क्या हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय 1 और 100 माइनस 1 है जी ये तो हो जाएगा करो जी कितना जाएगा 10,000 माइनस 1 माइनस 300 बोलो तुम्हें ये है कि भाई मैम ये कैसे किया भाई ये नहीं है ये 1 है बुरा लगेगा नहीं तो उसको ये हो जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा 0 0 0 ठीक है इससे भी 0 0 0 इससे 1 0 0 1 हो जाएगा 1 2 3 4 1 हो जाएगा तो मैम क्यूब है ना अच्छा क्यूब है सॉरी क्या है भाई क्यूब है तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 हो जाएगा ठीक है ओके ये हो जाएगा वेरी गुड बढ़िया माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस 300 इनटू 1 इज इक्वल्स टू सेम ही रहेगा और 100 माइनस 1 समझ में आया आगे आते हैं 1 2 3 माइनस 1 अब माइनस 300 और प्लस 100 है क्या करेंगे मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 300 और ये हो जाएगा हमारा इतना 30,000 ऑलराइट इतना ही होएगा ना तो अब माइनस माइनस प्लस और कितना 300 ओके कर लेते हैं जी 1 2 3 4 5 6 में से 300 को हम क्या कर लेंगे जी प्लस कर लेंगे पहले तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा अब 30,000 और 1 कितना होता है 1 हो जाएगा इतना हो जाएगा है ना
लेकिन माइनस करो जी, नाइन में से बन जाएगा, सॉरी टेन में से बन जाएगा टू, और यहाँ पे टेन में से दी जाएगा तो सेवन, और यहाँ पे नाइन हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो 970299 इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं जी, मैंने इंटरलैक इंटरनेशनल वो में लगा दी। ठीक है जी, समझ में आया? यस मैम। चलो जी करो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में क्या है क्वेश्चन? 102 की क्यूब। 102 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2 का क्यूब, मतलब 100 प्लस 2 का क्यूब, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऑलराइट, क्या हो जाएगा? इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब। यस मैम, सही है ना क्वेश्चन? यस। चलो जी, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3 इंटू ये ए इंटू बी, बी मतलब 2, फिर हो जाएगा हमारा 100 प्लस 2। ऑलराइट, चलो जी करते हैं इसको, कर लेंगे इसका क्यूब, क्या हो जाएगा? 1 लाख। इतना हो जाएगा 6 जीरो। ठीक है जी, प्लस 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 300 जा 300 और 2 जा 600 और 100 प्लस 2। ओके, अब आगे आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 प्लस 8, सब सबको प्लस करना है ना 8। चलो जी इसको कर लेते हैं, इससे तो कितना हो जाएगा? 600 इनटू 100 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 0। ऑलराइट, प्लस हो जाएगा 6 2 12 100। समझ में आया? लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 अगेन, ये अभी है 60,000। ओके जी, 60,000, फिर आ जाएगा हमारा 1200, फिर आ जाएगा हमारा 8, इन सबको कर देते हैं जी प्लस 8021601, तो ये हो जाएगा जी हमारा आंसर 1061208, दिस विल बी आवर आंसर। अब देखो इसमें अच्छा लग रहा है ना ऐसे क्वेश्चन करने में, और अगर 102 मल्टीप्लाई बाय 102 करेंगे, फिर उसको बुरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी वेरी लो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसको आइडेंटिटी को यूज करके कर रहे हैं तो दिस विल बी इजी मैथड। ओके, नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा पार्ट 3, क्या है? 998 का क्यूब, इसको भी क्या लिख सकते हैं भैया जी? 1000 - 2 का क्यूब, तो कौन सी वाली हम माइनस वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे? करो जी, क्या हो जाएगा? 1000 - 2 का क्यूब, अब इसका क्यूब माइनस ही है ना? ओके, माइनस इसका क्यूब माइनस 3 × 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1000 - 2। ओके जी, समझ में आया? ये हो जाएगा जी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 2 2 4 2 8 - 3 × 3 2 6 3 2 6 और 6 1 6 6000 और हमारा 1000 - 2। समझ में आया क्या? ओके, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8, अब माइनस माइनस प्लस माइनस 6 1 6 1 2 3 4 5 6 कितना चला रहा है ना मल्टीप्लाई करना? अब माइनस माइनस प्लस 6 2 12 1000, अब प्लस की वैल्यू कितनी है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काफी लंबा हो गया। ओके जी, उसमें हम पार्ट ऑब्जेक्ट को प्लस प्लस कर देंगे 1 2 3, तो जाएगा जी प्लस 0 0 0 2 1 0 0 1 1, है ना? आगे आते हैं, अब ये हो जाएगा माइनस 1 2 3 4 5 6 6 0 है ना? यस मैम। ओके जी, प्लस 1 कर लेते हैं इसमें। यस मैम। ओके, ये तो है ना? यस। 1 नहीं 8 मैम, 8 करते हैं, 8 करेंगे ना प्लस? यस मैम। प्लस 8, देखो
ए माइनस के और ए माइनस कर लेते हैं प्लस कर देंगे आप इसमें करते हैं जी माइनस द 10 में से हट गया 2 अब कितने बचेगा 9 यहां पे 1 0 10 में से 4 से 6 जाएगा 4 9 आ गया आंसर क्या आएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2 ओके जी यस मैम समझ में आया यस मैम दिस विल बी आवर आंसर 9 9 4 0 1 1 ओके यस मैम ओके जी चलो यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन यस दिस इज द 8th क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग इनको क्या करना है फैक्टराइज करना है फैक्टराइज कैसे करेंगे भाई देखो इसमें भी हमारा फॉर्मूला लग रहा है लेकिन इसमें रिवर्स लग रहा है क्या लग रहा है देखो a की क्यूब b की क्यूब ये प्लस कहां से आया है अभी बताते हैं वही कि किस कौन कॉमन है किसके साथ में हमारा माइनस लगेगा ठीक है देख लो अगला क्वेश्चन यही है क्या क्वेश्चन नहीं मैं देख अगला क्वेश्चन यही है क्या सेम सॉरी वही है 8a की क्यूब माइनस b की क्यूब प्लस 6ab प्लस 6ab मैम प्लस है मैम सारे प्लस के हैं क्या है जी 8 ए क्यूब प्लस ठीक है जी सारे प्लस की वैल्यू है ठीक है ठीक है ठीक है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस b का होल क्यूब ऑलराइट चलो ये करते हैं पहले हमें क्या ढूंढना है इसके अंदर a और b ढूंढेंगे अब बताओ ये किसका क्यूब मैम 4 का 2 का क्यूब का अंडर हां क्यूब 2 का क्यूब देखो 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 समझ में आया यस मैम प्लस b तो b का क्यूब ही रहेगा यहां पे प्लस यहाँ पे क्या है 3 × a हमें मिल गया yes, a क्या है 2a है 2a और b भी मिल गया b क्या है b ओके okay, जी फिर प्लस हो जाएगा हमारा कौन कौन 2a हो जाएगा yes, और b हो जाएगा यही तो होता है देख लो आप ठीक है चलो जी करते हैं 2 × 2 × 4 4 × 2 = 8 a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 × 2 = 6 a b प्लस ये प्लस होता प्लस नहीं होता ना यहाँ पे प्लस नहीं होता 2a प्लस b ठीक है ना ओके जी आगे आते हैं 8 a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 12 a यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो a का स्क्वायर b प्लस 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 6 a और b का स्क्वायर मैच हो रहा है क्या यस मैम तो क्या मतलब है इसका क्या मतलब है इसका फैक्टर तो a क्या है हमारे पास में a है 2a प्लस b का क्यूब क्या लिखेंगे इसको 2a प्लस b 2a प्लस b और 2a प्लस b दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई बोलो मैम आपके पास 2a का क्यूब क्या है भाई 2a का शायद यहाँ ना आए यहाँ पे 2a का क्यूब आगे माइनस लगो ये नहीं 2a का क्यूब मैं नहीं 8a का क्यूब सॉरी 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a का स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर ये हमारे पास क्या है जी क्वेश्चन तो इसमें सारे मार्क किसके हैं माइनस दैट्स व्हाई वी विल यूज ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे अब ये किसका स्क्वायर 2 का 2a का स्क्वायर ये किसका स्क्वायर b का स्क्वायर ये 3 × 2a और मल्टीप्लाई बाय b और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 2a माइनस b हो जाएगा है ना कितने करते हुए यार करो 2 × 4 × 2 = 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस सब यहाँ किसी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा 3 × 2 = 6ab ठीक है जी और यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस b ओके आगे चलते हैं
एट ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब अब प्लस माइनस माइनस सिक्स टू ट्वेल्व ए तो ए का स्क्वायर थ्री अब माइनस माइनस प्लस सिक्स का तो एज इट इज सिक्स रहेगा ए और बी यहाँ पे दो है एक ये रहा और एक ये रहा तो बी का स्क्वायर तो हमें क्या मिला कि जी टू ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू टू ए माइनस बी टू ए माइनस बी और टू ए माइनस बी दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ दी क्वेश्चन ओके जी. हाँ जी नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट थर्ड और पार्ट में क्या है 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए का स्क्वायर इसमें भी सेम चीज करना है हमें ए और बी को फाइंड करना है करो जी ये किसका क्यूब 3 यस मैम माइनस ये किसका क्यूब 5 ए का क्यूब माइनस 3 × 3 हमारा और इंटू 5 ए फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे अंदर 3 माइनस 5 है ना यस मैम यही होगा यस मैम गलत तो नहीं है भाई नो मैम ओके 3 × 3 = 27 माइनस 5 × 5 = 25 125 a का क्यूब माइनस 3 × 3 = 9 9 × 5 = 45 a ऑलराइट यस 3 माइनस 5 a इतना समझ में आया यस मैम 27 माइनस 125 a का क्यूब अब माइनस प्लस माइनस 45 3 × 3 = 5 क्योंकि यहाँ पे और ए नहीं है अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस 45 × 5 = 225 यहाँ पे है एक ए यहाँ पे तो ए का स्क्वायर समझ में आया अब ए क्या है जी 20 ए क्या है 3 माइनस बी क्या है 5 ए का होल मतलब 3 − 5 a और 3 − 5 a दीज आर दी फैक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी नेक्स्ट बोलो ये जी ये क्वेश्चन है आप बताओ किसका ये किसका क्यूब मैम 8 का माइनस 3 बी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए मिल गया 4 ए इंटू बी मिल गया 3 बी प्लस नहीं है भाई क्या है 4 ए माइनस 3 बी समझ में आया क्या yes, ma'am. Okay. ये क्या हो जाएगा 64 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब माइनस 3 4 जा 12 12 3 जा 36 ए बी 4 ए माइनस 3 बी ओके जी 64 ए का क्यूब भाई ये इक्वल लगा लेना यहाँ पे मैं भूल जाती हूँ माइनस 27 बी का क्यूब माइनस प्लस माइनस 36 4 जा 144 ए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी तो ए का स्क्वायर और बी अब माइनस माइनस प्लस 36 3 जा 10 ए ए बी का स्क्वायर मैच कर रहा है क्या यस मैम ए मिल गया हमें 4 ए मिल गया हमें 4 ए बी मिल गया हमें 3 बी का होल तो 4 ए माइनस 3 बी 4 ए माइनस 3 बी और 4 ए माइनस 3 बी आर दी फैक्टर्स ऑफ दी क्वेश्चन समझ में आया क्या यस मैम चलो जी करो 27 चलो हाँ जी दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन
क्या है जी 27 पी का क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 अपॉन 2 पी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पी। ठीक है जी, इसमें क्या है, इसमें भी हमें सेम ए और बी को फाइंड करो जी। 27 किसका क्यूब, 3 का, 3 पी का क्यूब माइनस 1 अपॉन 6, 216 किसका क्यूब हो सकता है भाई, 2 का, 216 किसका होता है, 6 का होता है, ओके जी, का क्यूब माइनस 9 अपॉन 2 मतलब 3 इनटू 3 पी है ना, यस मैम, और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 6, ऑलराइट, यस मैम, और आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1 अपॉन 6, 3 नहीं 3 पी हो जाएगा भाई, 3 पी माइनस 1 अपॉन 6, समझ में आया क्या, यस मैम, ओके जी, 3 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
ओके जी आगे आगे हमारा 3p माइनस 6 27p का क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 3p अपॉन 2 3p माइनस 1 अपॉन 6 राइट आगे चलते हैं 27p का क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 अब माइनस प्लस माइनस 3 3 9 एक पे यहाँ पे तो स्क्वायर अपॉन 2 अब माइनस माइनस प्लस 3 1 3p और 2 6 12 अब अगर इसको फर्दर करेंगे तो 3 1 3 और 3 4 12 आप क्या लिख सकते हैं 27p का क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9p का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 अब 1p लिख लो या p लिख लो राइट तो दिस विल बी आर या फिर इसको ऐसे लिख लो जैसे तुम्हें मैंने बताया था देखो 27p का क्यूब फिर स्क्वायर ले लेंगे माइनस 9p का स्क्वायर अपॉन 2 फिर इसको ले लेंगे प्लस p अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 260 ऑलराइट यस मैम समझ में आया भाई तुम लोगों को यस मैम अब हमें क्या क्या मिला यहाँ पे a मिल गया और b मिल गया a क्या है 3b b क्या है जी 1 upon 6 का क्यूब ऑलराइट यस मैम तो क्या लिख सकते हैं 3p माइनस 1 upon 6 3p माइनस 1 upon 6 3p माइनस 1 upon 6 These are the factors of the question. और इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी खत्म होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू लिख देते भाई थैंक यू भाई सबको लाइक और शेयर करो